लेटेस्ट न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वी। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश खरगोन जिले के सेगांव में पिछले 4 दिनों से उल्टी दस्त का प्रकोप जारी है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 35 से 40 मरीज उल्टी दस्त के लिए भर्ती हैं। अस्पताल के वार्ड भी फुल हो चुके हैं। मरीजों को मैटरनिटी वार्ड में भर्ती कराना पड़ रहा है। व्यवस्था और इसके रोकथाम के लिए पूरी व्यवस्था देखने के लिए हमने प्रयास किया, उसी के लिए मैं और मेरा टीम यहाँ पे आई हुई है। हमने यहाँ के हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया। दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में हैं, ब्लीचिंग क्लोरीन सभी पर्याप्त मात्रा में है, और ब्लीचिंग जो कुएँ जिसपे पंचायत जिस कुएँ से सप्लाई कर रहे हैं पानी का, उसको भी हमने ब्लीचिंग करवा दिया है। सर, उल्टी दस्त के मरीज एकदम से किस कारण बढ़े? सर ये कारण तो संभवतः क्योंकि पानी सभी पूरे एरिया से आ रहा है, तो एक कोई शादी ब्याह या इस तरह का कोई मामला नहीं है। यहाँ पर पूरे सेगांव से अलग अलग क्षेत्र से आ रहा है, तो पीने के पानी में कहीं ना कहीं कंटामिनेशन होने की संभावना लग रही है। उल्टी दस्त के मरीज यहाँ पे काफ़ी आ रहे हैं। मैं जब आया तब सिर्फ सिंगल व्यक्ति था, उसके बाद आधे घंटे के अंदर अंदर कम से कम 30 से 40 मरीज आ गए हैं। क्या डॉक्टर के द्वारा ये बताया गया है कि पानी उबाल के पियो, उसमें क्लोरीन की गोली डालो, पानी में कहीं ना कहीं उल्टी दस्त के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। ज़्यादा उल्टी दस्त के मरीज आ रहे हैं। क्या नाम? पड़वा से गोविंद शर्मा की रिपोर्ट।